दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेजेंड्स ऑफ भारत के एक और एपिसोड में। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ महान शासकों की, जिनकी वीर गाथाओं के किस्से सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। समुद्रगुप्त और पुलकेशिन के बाद इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत के एक सच्चे देशभक्त की, जिसने बाहरी इस्लामिक शक्तियों से भारत की रक्षा करी, जिसका लोहा भारतवर्ष के सभी राजा मानते थे। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पर राज करने वाले आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1166 में अजमेर के चौहान वंश के राजा सोमेश्वर के घर हुआ था और उनकी माता थी कपूरा देवी। बचपन से ही पृथ्वीराज एक होनहार और तेजस्वी बालक थे। वे 14 भाषाएं बोलना सीख गए थे। इसके साथ साथ वे युद्ध कला में भी माहिर थे। उन्होंने शब्द भेदी तीर चलाने की कला पर निपुणता हासिल कर ली थी। इससे वे बिना देखे ही केवल अपने निशाने को सुनकर उस पर सटीक वार कर सकते थे। सन 1177 में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की युद्ध में मृत्यु हो गई और कम उम्र में ही पृथ्वीराज को अजमेर की राजगद्दी मिल गई। अपने माता के निर्देशों पर उन्होंने इस राज्य को भी बखूबी रूप से संभाला। उधर पृथ्वीराज के नाना अंगदपाल की बढ़ती आयु और पृथ्वीराज के बल कौशल और बुद्धिमत्ता को देख उनके नाना, जो कि उस समय दिल्ली के राजा थे, उन्होंने अपना राज्य पृथ्वीराज को सौंप दिया। अब युवा पृथ्वीराज के पास दो बड़े राज्य थे, अजमेर और दिल्ली। कुछ ही वर्षों में पृथ्वीराज ने अपनी सीमा का विस्तार किया, कई बड़े राज्यों को युद्ध में ललकार कर हरा दिया। अब उनका राज्य राजस्थान, गुजरात, पूर्वी पंजाब और दिल्ली तक फैल गया था। उनकी वीरता के किस्से आसपास के सभी राज्यों में प्रचलित हो गए और बच्चा बच्चा पृथ्वीराज को अपना आदर्श मानने लगा, क्योंकि वे न केवल वीर और बहादुर थे बल्कि वे उदार और न्यायप्रिय भी थे। उनकी इसी बढ़ती प्रसिद्धि को देख पड़ोसी राज्य कन्नौज के राजा जयचंद उनसे ईर्ष्या करने लगे, पर जयचंद की ही पुत्री संयोगिता उनकी वीरता के किस्से सुन उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी। उस समय संयोगिता की सुंदरता के किस्से भी बहुत थे और पृथ्वीराज भी उन्हें पसंद करने लगे। ये बात जैसे ही जयचंद को पता चली तो उसने उन दोनों को सबक सिखाने की सोची। जयचंद ने अपने राज्य में स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर एक पारंपरिक भारतीय रीति है जिसमें बड़े राज्यों की राजकुमारियां अपना वर स्वयं चुनती थी। इस स्वयंवर के लिए जयचंद ने पूरे भारतवर्ष के छोटे बड़े सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया, पर केवल पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। उन्हें और लज्जित करने के लिए उस सभा के द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज का एक पुतला भी जयचंद ने खड़ा कर दिया। ये बात जैसे ही पृथ्वीराज को पता चली उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने संयोगिता के साथ मिलकर एक योजना बनाई। स्वयंवर वाले दिन जब संयोगिता को अपना वर चुनना था तो उन्होंने सभी राजकुमारों को पीछे छोड़ उस सभा के द्वार पर जाकर पृथ्वीराज के पुतले के गले में अपनी वरमाला डाल दी। ये देख जयचंद समेत सभी राजकुमारों को क्रोध एवं लज्जा हुई, पर जैसे ही संयोगिता ने वरमाला डाली वैसे ही पृथ्वीराज पीछे से अपने सैनिकों के साथ आकर संयोगिता को घोड़े पर लेकर दिल्ली चले गए। इसके बाद जयचंद और पृथ्वीराज के बीच रिश्ते और खराब हो गए। इधर राजपुताना में आंतरिक दरारें बढ़ रही थी, उधर अफगानिस्तान में मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की ताकत भी बढ़ रही थी। उसने गजनी पर हमला कर खुद को गजनी का शासक घोषित कर दिया। फिर एक एक कर उसने मुल्तान, पेशावर, सियालकोट और लाहौर पर अपना परचम लहरा दिया। अब उसकी सीमाएं पृथ्वीराज की सीमा तक आ गई थी और दोनों के बीच युद्ध अब अटल था, क्योंकि गौरी जैसा बेरहम जिसने खून की नदियां बहाई थी वह पृथ्वीराज जैसे देशभक्त के द्वार पर आकर खटखटा रहा था। गौरी ने फिर भटिंडा के एक किले पर कब्जा कर युद्ध का ऐलान कर दिया। दोनों सेनाएं हरियाणा के तहरेन में भिड़ी, जहां पृथ्वीराज की सेना गौरी की सेना पर भारी पड़ी और उसे बंदी बना लिया। अब गौरी ने पृथ्वीराज से उसकी जान बख्शने की गुहार लगाई, जिस पर पृथ्वीराज के सेना प्रमुखों की सलाह ये थी कि ऐसे बाहरी आक्रांता पर विश्वास करना घातक साबित हो सकता है। पर फिर भी पृथ्वीराज ने अपनी उदारता दिखाते हुए गौरी को कुरान की कसम दिलवाकर उसे जिंदा छोड़ दिया। पर जैसा कहते हैं कि सांप कभी भी डस सकता है, गौरी ने भारत पर फिर बार बार हमला किया। टेक्स्ट में इसकी संख्या 11 से लेकर 22 बार के बीच में बताई जाती है। इतनी बार हमला करने के बावजूद हर बार पृथ्वीराज ने उसे खदेड़कर वापस भेज दिया। पर सन 1193 में जब गौरी ने भारत पर फिर हमला किया, इस बार उसके साथ जयचंद भी मिल गया, जो आंतरिक तनावों के चलते दुश्मन से हाथ मिलाने को तैयार हो गया। जयचंद का यही देशद्रोह इस बार पृथ्वीराज पर भारी पड़ा और इतने नाकाम हमलों के बाद गौरी पृथ्वीराज को हराने में कामयाब रहा और उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर गजनी ले गया।
गजनी में पृथ्वीराज को भरी सभा में रोज तिरस्कृत किया जाता था, पर पृथ्वीराज एक वीर की भांति गौरी की आंखों में निडर होकर देखते थे और यही बात गौरी को पसंद नहीं आती थी। तो एक दिन उसने पृथ्वीराज से कहा कि वे अपनी आंखें झुकाए, जिस पर उनका जवाब था कि एक राजपूत किसी के आगे नहीं झुकता। यह सुन गौरी ने उनकी दोनों आंखें गर्म लोहे से दगवा दी, पर एक वीर की ही भांति उन्होंने ये घाव भी सह लिया। कुछ ही समय बाद भारत का ये वीर सपूत गजनी में वीर गति को प्राप्त हो गया। हालांकि पृथ्वीराज के राज्य कवि चंद्र बरदाई ने गजनी में हुई घटनाओं को अपनी किताब पृथ्वीराज रासों में काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। वे बताते हैं कि जब पृथ्वीराज को बंदी बना के गजनी ले जाया गया तो वे भी वहां पहुंचे थे। वहां रोज के हुए तिरस्कार से पृथ्वीराज को बहुत क्रोध आता था, जिस पर चंद्र बरदाई उन्हें संयम बरतने और सही मौके का इंतजार करने को कहते थे। और ये सही मौका उन्हें तब मिला जब गौरी ने अपने राज्य में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया। चंद्र बरदाई ने गौरी से जाकर कहा कि पृथ्वीराज को भी इसमें भाग लेने दें, जिस पर वह हंस कर बोला कि बिना आंखों के ये कैसे संभव है। चंद्र बरदाई ने फिर उन्हें बताया कि पृथ्वीराज की यही खासियत है कि वह बिना अपने निशाने को देखे ही उस पर वार कर सकते हैं। ये सुन गौरी ने पृथ्वीराज को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दे दी। प्रतियोगिता वाले दिन पृथ्वीराज को भरी सभा में बुलाया गया। चंद्र बरदाई ने फिर गौरी से कहा कि वे खुद उन्हें तीर चलाने का आदेश दें, क्योंकि एक राजा केवल एक राजा की बात सुनेगा। ये सुन गौरी प्रसन्न हुआ और उसने पृथ्वीराज को तीर चलाने का आदेश दिया। उसकी आवाज सुनते ही पृथ्वीराज को उसकी स्थिति का अनुमान लग गया और चंद्र बरदाई ने भी उनकी मदद करी और बोले, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तंग ऊपर सुल्तान है मत चूकियो चौहान। ये सुनते ही पृथ्वीराज ने अपना शब्द भेदी तीर चलाकर गौरी को मार गिराया। हालांकि ये वर्णन केवल पृथ्वीराज रासों में है, पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो वीर सपूत भारत की रक्षा करते हुए जिसने दुश्मनों को इतनी बार खदेड़ा, वह गजनी में भी वीरों की भांति रहा और वीरों की भांति ही वीर गति को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कई भारतीय और राजपूत राजाओं ने दिल्ली को हासिल करनी चाही, पर सभी इसमें नाकामयाब रहे और अगले 500 साल तक दिल्ली पर इस्लामिक राज ही रहा। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और देशभक्ति की ये गाथा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है और पृथ्वीराज चौहान है हमारे लेजेंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल लायन हार्ट, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।